बस आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमें आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन होते हुए दिखने वाले, और आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से लगातार काफ़ी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले, और काफ़ी बड़े बदलाव भी हमें एमआई की टीम के अंदर होते हुए दिखने वाले हैं। तो पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले, आखिर क्या फैसले लिया एमआई की टीम ने आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं तो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप क्रिकेट और खास कर आईपीएल से वीडियो हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े बदलाव की। तो ये बड़ा बदलाव हमें एमआई की टीम के जो टारगेट प्लेयर की लिस्ट रहने वाली एमआई की टीम की उसमें होते हुए दिखने वाला है। जहाँ दोस्तों एमआई की टीम की टारगेट प्लेयर की लिस्ट में सैम करन और बेन स्टोक भी है। जहाँ दोस्तों और हैदराबाद की टीम ने एक दिन ऐसा स्टेटमेंट जारी किया कि जो एसआरएच की टीम रहने वाली है मिनी ऑप्शन के अंदर, यानी कि एसआरएच की टीम ने ऐसा कहा कि हम बेन स्टोक के लिए ऑल आउट जाने वाले हैं। जहाँ दोस्तों बेन स्टोक किसी भी टीम को नहीं मिलने वाले, क्योंकि एसआरएच की टीम के पास में सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस रहने वाला है। तो एसआरएच की टीम ने कंफर्म कर दिया कि टीम 16 से 17 करोड़ रुपए बेन स्टोक को दे सकती है। और दोस्तों अगर एमआई की टीम जाती है तो फिर एमआई की टीम को ज्यादा खिलाड़ी भी खरीदने हैं, लगभग 12 से 13 खिलाड़ी परचेस करने हैं एमआई की टीम को मिनी ऑप्शन के अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि बेन स्टोक हमें अब एसआरएच की टीम के अंदर या फिर पंजाब की टीम के अंदर खेलते हुए दिख सकते हैं। और दोस्तों चेन्नई की टीम ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि टीम सैम करन को हमें टारगेट करते हुए दिखने वाली और ऑल आउट जाने वाले सैम करन के पीछे भी, और एमआई टीम नहीं खरीदने वाली इन दोनों ही खिलाड़ियों को। जी हाँ दोस्तों, लगभग ये कंफर्म हो चुका है। हालांकि टारगेट तो करने वाली एमआई की टीम प्राइस बढ़ाती हुआ हमें दिखने वाली इन दोनों ही खिलाड़ियों का, लेकिन एमआई की टीम खरीदते हुए हमें नहीं दिख सकती है बेन स्टोक और सैम करन को। वैसे आप लोगों की क्या राय है, एमआई की टीम अगर बेन स्टोक और सैम करन को नहीं खरीद पाती है तो एमआई की टीम को कौन से खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए मिनी ऑप्शन के अंदर, तो आप अपने यहाँ कमेंट जरूर करें। तो एमआई की जो ऑप्शन में जो टारगेट प्लेयर की लिस्ट रहने वाली है उसमें काफी बड़ा बदलाव हमें होते हुए देख सकते हैं, और एमआई की टीम हमें काफी बड़ा फैसला लेते हुए देख सकते हैं दोनों खिलाड़ियों को नहीं खरीदने का। जहाँ दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी हमें एमआई की टीम के अंदर नहीं खेलते हुए दिख सकते, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस में बिकने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि एमआई की टीम सरप्राइजिंगली हमें इन दोनों में किसी एक खिलाड़ी को खरीदते हुए दिखे। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है मिनी ऑप्शन के अंदर, लेकिन जिस हिसाब से अभी परिस्थिति है उसके हिसाब से लग रहा है जिस टीम के पास में ज़्यादा पर्स बैलेंस है वही टीम बेन स्टोक और सैम करन को खरीद पाएंगी। और दोस्तों अगले बड़े बदलाव की बात की जा रही है, बड़ा बदलाव हमें कायरन पोलार्ड को होते हुए दिख सकता है। जहाँ दोस्तों कायरन पोलार्ड हमें एक बार फिर से एमआई की टीम के अंदर वापसी करते हुए देख सकते हैं। जहाँ दोस्तों काफी बड़ा अपडेट है बाहर निकल कर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों एमआई की टीम को आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में ऑलराउंडर्स की नीड है, और वो भी तगड़े हैं ऑलराउंडर्स के। लेकिन एमआई की टीम के पास में कम पावर बैलेंस होने के कारण एमआई की टीम ज्यादा ऑलराउंडर्स को नहीं खरीद पाएंगी। लेकिन दोस्तों एमआई की टीम चाहती है कि कायरन पोलार्ड एक बार फिर से एमआई की टीम के लिए वापसी कर ले। हालांकि एमआई की टीम ने काफी बड़ी गलती कर दी, कायरन पोलार्ड को अपनी टीम से बाहर करके, और फिर पोलार्ड ने रिटायरमेंट भी ले लिया था। लेकिन अब दोस्तों हमें रिटायरमेंट कैंसिल करते हुए देख सकते हैं कायरन पोलार्ड, क्योंकि जो अभी T10 शुरू उसमें काफी धमाल मचा रहे हैं। तो इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए काफी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट का भी मानना है कि कायरन पोलार्ड को अपना रिटायरमेंट कैंसिल कर देना चाहिए और एमआई की टीम के लिए 2 से 3 आईपीएल सीजन और खेलने चाहिए। क्योंकि दोस्तों कायरन पोलार्ड T10 लीग के अंदर काफी पिटाई कर रहे हैं गेंदबाजों की। वैसे आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट जरूर करें। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।